हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बढ़िया, थैंक यू। आप इतनी दूर से आए हमारे पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल। के बाद हम मिल रहे हैं, बड़ी देर के बाद। 3 साल बाद मेरे को लगता है। 3 साल बाद ही है ना। आना पड़ा ना, आपने चीज ही ऐसी बनाई कि उसको देखने के लिए, और बहुत सारे लोगों की क्या डिमांड भी आ रही थी, और मेरे को भी लग रहा था कि मैंने, चलो दो गाड़ियां तो आपने, घोड़ों की गाड़ियां मैंने बहुत देखी है आपकी। हाँ जी। पर एक बस कैसी होती है घोड़ों की, मैंने भी पहली बार ही देख रहा हूँ, मैंने की जो भी लग्जरी बस, तो मेरे को आना पड़ा इसलिए देखने के लिए। तो सर, सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं। मेरा नाम हरजीत सिंह राय है। और सर, अपना जो ये जगह है जहाँ पे मेरा अपना ऑफिस है, ये मेरा गांव है। ये गांव का नाम है नंडियाली, ये डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब, जो शहीदों की धरती हम बोलते हैं, उस धरती में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब, पंजाब, नंडियाली इस गांव का नाम है। ओके। और सर, जिला कौन सा लगता है? जिला फतेहगढ़ साहब। जिला फतेहगढ़ साहब। फतेहगढ़ साहब। और मोहाली से कितना पड़ता है सर? ये मोहाली से लगभग 18 किलोमीटर पड़ता है। 18 किलोमीटर पड़ता है। तो सर, हम बात करें वैसे, पहले आप जो, आपकी जो ये बुलस्टोन कंपनी है, ये स्टार्टिंग कब से हुई? ये बुलस्टोन की स्टार्टिंग तो ये समझिए कि बहुत देर पहले थी दिमाग में स्टार्टिंग। उसके बाद इसको हमने पहली बार यहाँ पे शुरू किया 2016 में। ओके। तो उससे पहले हमने बम्पर पुल ट्रेलर, जो दो घोड़े के रहते हैं गाड़ी के पीछे, उससे इसको स्टार्ट किया था। तो सर, अब मैं जानना चाहूँगा इस विशालकाय बस के बारे में। क्योंकि आपने एक, मेरे को लगता है कि बहुत घोड़ों के लिए जो एसी वाला जो बस बनाया है, वो शायद मैंने तो पहले कभी देखा नहीं है। तो सर, इसमें जो बस है वो कौन सी कंपनी की आप यूज कर रहे हैं? सो ये जो ये चीज़ें थी, हम देखते थे जब हम यूएसए, कनाडा या यूरोप में जाते थे, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें थी, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था जो। ओके। तो जैसे ही हमने, लोगों ने, बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि इंपोर्ट करवाएं या कुछ इसको करें, फिर कुछ क्लाइंट्स हमारे ऑलरेडी थे, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट यूज़ कर रखे थे, तो देन उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस देखा कि ये कर सकते हैं, तो हमने कहा कि हाँ हम कर सकते हैं, देन उन्होंने हमें ये ऑर्डर प्लेस किया था। तो हमने इसमें जो है भारत बेंज की चेसी यूज़ की है। भारत बेंज की, और ये एयर राइड के ऊपर है, इसमें पटे नहीं है। अच्छा। तो एयर राइड जिसको बोल देते हैं, बड़ी बड़ी महंगी कारों में आता है, वही सिस्टम है इसमें। यानी पूरा बस जो की बात करें तो एयर सस्पेंशन है। एयर सस्पेंशन है इसमें। बाकी सर, आपने यानी घोड़ों के हिसाब से इस गाड़ी में और क्या इनकी चीज़ों को मॉडिफाई किया है? सी पहले जब हम ऐसा कोई बड़ा आता है प्रोजेक्ट हमारे पास, पहले तो क्लाइंट जो है वो हमसे, हम उसको सुजेस्ट करते हैं, वो हमसे पूछता है कि कौन सी चेसी ली जाए, तो फिर हम उसको 2-3 ऑप्शन बताते हैं, और सबसे ऊपर यही रहता है, वॉल्वो रहती है या ये भारत बेंज रहती है, क्योंकि इसकी राइड क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है, दिखने में राइड बहुत सॉलिड लगती है। हाँ। तो दूसरी ये कि इसकी सर्विसेज अच्छी थी, तो हमने चेसी सबसे पहले इसकी चूज़ की, भारत बेंज की। ओके। उसके बाद हमने इसको पूरा डिज़ाइन किया गया कि क्या क्या चाहिए इसमें एक्चुअली क्लाइंट को। उसको चाहिए था कि उसके मेडिकल वेटनरी जो हैं वो साथ में ट्रैवल करेंगे इसके, और एक दो ग्रूम लोग हैं जो घोड़े की देख रेख करते हैं वो ट्रैवल करेंगे, और दो ड्राइवर एंड को ड्राइवर आप बोल लीजिए। ओके। वो ये 4-5 लोग इसके साथ ट्रैवल करेंगे, तो उनके बैठने के लिए और सोने के लिए एक छोटी सी व्यवस्था चाहिए, पूरा जो लग्जरी आपने जो व्यवस्था कर रखी है लग्जरी, तो उनको ये सब चाहिए था। प्लस ऑब्वियसली इतनी महंगी गाड़ी है तो ये फुली एयर कंडीशन भी है। ओके। और इसका टेम्परेचर आप 13-14 डिग्री तक इसको लेके जा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अच्छा। क्योंकि इतनी महंगी गाड़ियों में मोस्टली इम्पोर्टेड घोड़े ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि यूरोप से आए हैं या ठंडे देशों से आए हैं, तो वही इनमें ट्रैवल करते हैं, तो हमारे कंट्री की गर्मी को वो सह नहीं सकते, तो उसको, उनका जो टेम्परेचर है जो, उसको मेंटेन करने के लिए इसको, इसमें एक बहुत बड़े एसी का इस्तेमाल किया गया। तो सर, जब आपने जैसे ये बस बनाई थी, हाँ जी, तो पीछे जैसे घोड़ों के लिए अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं। हाँ जी। वैसे तो घोड़ों के लिए ऐसे सीधे पोर्शन रहते, हाँ तो उसमें घोड़ा सीधा घुस जाता है। हाँ जी।
तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखा है या फिर इस चीज़ के भी बारे में थोड़ा रिसर्च किया कि घोड़े ऐसे साइड से कैसे जाएंगे, क्या होगा? मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने 20 साल के लगभग हॉर्स राइडिंग ग्रैंड प्री लेवल की हुई है। ओके। तो यूरोप में मैंने इसकी शो जंपिंग करता था, तो हम वहाँ पे लेके जाते अपने घोड़े अपनी गाड़ी के पीछे डाल के, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो वहाँ से हमने सीखा कि इस जो ये सिस्टम है इसको बोलते हैं स्लैंट लोडिंग सिस्टम। तो अगर दो से ज़्यादा घोड़े इसमें डालने हों किसी भी गाड़ी में, या तो उसका जो रैंप है साइड में बनाया जाए, दो रैंप बनते हैं उसमें, और या फिर पीछे। ओके। और हम प्रेफर करते हैं पीछे वाला, रियर लोडिंग रैंप जिसको बोलते हैं। साइड लोडिंग का ये होता है कि एक तरफ गाड़ी का, जब दो रैंप बड़े भारी बन जाते हैं तो वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है एक तरफ ही गाड़ी का। तो हमारे यहाँ जो रोड कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है कि एक साइड वाली अगर रैंप लेके चलें तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं मानी जाती। तो हमने इसको कि अभी पीछे रैंप लगाया, और पीछे रैंप लगाने के बाद एक ही ऑप्शन बचा था, वो था स्लैंट लोडिंग का। ओके। तो उससे क्या होता है कि हर एक घोड़े का अलग जो एरिया है, तो उसको हर एक घोड़े को डालते रहो और उसके एरिया को आप बंद करते चले जाओ। बाकी सर पानी वगैरह के लिए और क्या कुछ है ऐसी व्यवस्था इसमें? पानी की, क्योंकि गर्मी का मौसम रहता है हमारे यहाँ मोस्टली, तो इसमें 600 लीटर पानी का बंदोबस्त रहता है। अच्छा, टंकी होगी इसमें? इसमें पानी की टंकी है 600 लीटर की। हाँ। तो इसको हम दूसरा बोलते हैं, इसमें सिस्टम लगा हुआ है वाटर ऑन डिमांड। ओके। तो आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है घोड़ों को। मान लीजिए आपका पूरे दिन का 16 घंटे 18 घंटे 10 घंटे का आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो बीच बीच में घोड़े को पानी चाहिए, तो आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। 8 घोड़े का ये फ्लोट है, और ये 8 घोड़ों को सफिशेंटली पानी दे सकता है पूरे दिन तक। तो सर पानी के लिए जैसे क्या भर के पिलाना पड़ेगा कैसे, या फिर वो उसकी भी कोई? पानी के लिए इसमें ऑटोमेटिक खाल बनी हुई है। अच्छा। उसमें पंप लगा हुआ है, तो अंदर सेंसर लगे हुए हैं, तो या तो आप इसको मैनुअली यूज कर लो, या सेंसर कुछ देर बाद उसको टाइमर फिट कर देते हैं। ओके। तो कुछ देर बाद, थोड़ा थोड़ी देर बाद वो पानी अपने आप देता रहता है, आता रहता है। तो सर जैसे कि ये गाड़ी बहुत लग्जरी है ना जी, अब जैसे कि घोड़े वगैरह लीद वगैरह भी करेंगे, टॉयलेट वगैरह भी करेंगे, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सी, इसमें जो है आप देखेंगे कि 2 इंच मोटा इसके नीचे रबड़ का मैट दिया गया है। तो एक तो इसको साफ करना बड़ा आसान है, उसको सारे को हमने सील कर दिया गया है चारों तरफ से। अच्छा, पैक है, पूरा पैक्ड है उसको। जैसे ही आपने घोड़े निकालते हैं तो अंदर ही इसके अंदर टैप है, उसमें पाइप लगाओ, इसको साफ आसानी से धो। बाकी जो ये खुलने वाला सिस्टम है ये भी बहुत आसान है ना जी? तो यानी पूरा खुल के साइड में करके सारे को साइड में आप कर दीजिए, और जैसे कमरे में धुलाई करते हैं ऐसे धो सकते हो आप? ऐसे आप इसको साइड की करने, आप मान लीजिए इतना बड़ा है, आपके पास इतने ज्यादा घोड़े हैं, तो आपने इसमें दाना घोड़ों का लेके आना है पूरे अपने फार्म के लिए, या हे वगैरह लेके आनी है, तो ये सारे के सारे डिवाइडर निकल जाते हैं टोटली अंदर से बाहर, सब निकल जाता है, सब निकल जाएंगे, और इसमें एक भी कोई चाबी पाना लगाने की जरूरत नहीं है, सारा पिन सिस्टम है। ओके। और घड़ी से देख के 10 मिनट में पूरी की पूरी बस एक ट्रक में बदल जाएगी, जिसमें आप दाना वगैरह हे वगैरह लोड कुछ भी लोड करके इसमें ले जा सकते हैं। बाकी जैसे लोग घोड़े वाले सामान वगैरह भी बहुत लेके जाते हैं जी, उसके लिए भी मेरे को लगता है पूरी साइड में जो दी गई है विंडोज वगैरह पूरा वो है। सो अगर आप देखेंगे इसमें साइड में, तो इसमें सारी वो लगी हुई हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेटलरी रखने के लिए या और चीज़ें, सब अंदर लगा हुआ है। आप इसको आप सेटलरी बोल लीजिए, सामान रखने की जगह, या घोड़े की नाल वगैरह रखनी अंदर है, अंदर तो कुछ रखने की जरूरत नहीं, मेरे को सारा सामान बाहर आ जाएगा, सारा बाहर से। और ऐसा भी नहीं कि एक दो है, मेरे को लगता है कम से कम नहीं तो 10 तो होंगी। हाँ, 10 तो हैं, और उसके अलावा एक बहुत बड़ी उसमें लगी हुई है, जिसमें पूरा आदमी पूरा खड़ा हो जाए, इतने बड़ा है। आदमी सो जाए। हाँ, आदमी सो जाए, उसी हिसाब से हमने इसको बनाया है। और अंदर सारा आप देखेंगे सारे को सील किया गया है, ताकि उसमें जो बारिश में या कहीं कोई बाहर के पानी का उसमें कोई इफेक्ट ना जाए। बाकी अंदर का साउंड भी, बाहर का साउंड भी अंदर नहीं जाता होगा, क्योंकि हमारा जो इसको जब हम फैब्रिकेट करते हैं
तो पूरा स्ट्रक्चर बना के इसके अंदर सिलिकॉन भरी जाती है, सिलिकॉन के साथ ये शीट चिपकाई जाती है। अच्छा, तो उसके बाद उससे क्या रहता है कि इसकी जो आवाज़ है वो नहीं जाती बाहर अंदर, तो इसकी साउंड को जो कम करने की कोशिश की गई है वो कम से कम साउंड आए इसमें, क्योंकि जब घोड़ा इतना लंबा ट्रैवल करेगा और ये बहुत ज़्यादा शोर करेगी तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इरिटेट होगा। पर बाहर के आदमी को कुछ नहीं दिखेगा है ना, बाहर के आदमी को अंदर कुछ अंदर वाले को सब कुछ दिखेगा, अंदर वाले को सब दिखता है, वन साइडेड शेड्स हैं इसके, बाहर वाला खाली सस्पेंस में ही रहेगा कि आखिर इस बस में है क्या। हाँ जी, हाँ जी। तो सर इसके कलर को जैसे कि आपने सेलेक्ट किया है, हाँ जी, तो जैसे कि बॉल्ब वगैरह में सफेद कलर या दूसरे कलर रहते हैं, तो इस कलर का आइडिया कैसे आया, क्योंकि बिल्कुल ही अलग ही कलर है ये, यानी आदमी इसको देखने के बाद में ये तो महसूस करेगा बस है, पर वो ऐसे सोचेगा कि ये इलेक्ट्रिक की वस्तु नहीं है कहीं। एक्चुअली क्या था कि बस का इसमें दो तीन कारण थे, एक तो हम देख रहे हैं रोड के ऊपर मोस्टली आप मान के चलिए कि हर बंदा वाइट गाड़ी लेके बस लेके घूम रहा है, और या ब्लैक है या उससे मिलते जुलते कलर हैं, तो हमारा दो मकसद थे इसमें, एक तो जब वाइट कलर जब हमने जो रिसर्च की, व्हाइट कलर की चीज जो भी है वो बड़ी दिखाई देती है, यानी साइज में बहुत ज्यादा बड़ी, साइज में बहुत बड़ी दिखाई देती है। ओके, और ब्लैक कलर वाली वो अंधेरे में कम दिखाई देती है। अच्छा, तो कुछ ऐसा बीच का चाहिए था, तो हमने ये कलर चूज किया था। तो इससे एक तो इसका साइज जो है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ी है, तो एक साइज प्रोपोर्शनल दिखता है इसका रोड पे जाते हुए, इतनी बड़ी नजर नहीं आती। तो दूसरा ये कलर भी वन ऑफ माय फेवरेट कलर बोल लीजिए, इट्स कॉल्ड गुची ग्रीन। तो ये मेरा फेवरेट ब्रांड भी है। ओके, तो ये कलर गुची से लिया गया, क्योंकि लग्जरी है, गुची इज द सिंबल ऑफ लग्जरी, तो उससे ही लिया गया है। बाकी बस देखने में भी बहुत बेमिसाल लगती है। थैंक यू। तो सर इंडिया में पहले भी कोई बनाता था कि इस टाइप की बसें वगैरह, या इंडिया की अपनी बुलुस्टॉन पहली कंपनी होगी ऐसी गाड़ियाँ और बसें बनाने वाली? सी, जो ट्रेलर्स हैं वो पहले कोई नहीं बनाता था। हाँ, लोगों ने नॉर्मल ट्रक को मॉडिफाई करके उसमें उसको हॉर्स फ्लोट नाम देने की कोशिश की है, पर वो प्रोफेशनली डिजाइंड नहीं था कुछ भी उसमें, ऐसा कोई भी नहीं था ऐसा। तो बुलुस्टॉन ने एक पहली कंपनी है जो सिर्फ घोड़ों के लिए बनाती है। बहुत सारी कंपनियां थी जिन्होंने कोशिश की, वो क्या करते थे, बस बॉडी बिल्डर थे वो एक्चुअली, तो बस बनाते थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई घोड़े भी डाल देते हैं इसमें दो चार लगा के, पर जब तक आपको घोड़े की नॉलेज ना हो कि घोड़े तक बना कैसे रिएक्ट करेगा अंदर, तब तक आप उसके लिए एक बहुत चीज़ नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल है। हाँ, तो ये हमारे पास एक एज था हमारे पास कि घोड़े की नॉलेज है, हम इतने सालों से घोड़े के साथ रह रहे हैं, तो ये हमारे पास एक कैच है। तो सर अगर बात करें इस बस के रेट की, हाँ जी, तो बस का क्या रेट होगा कंप्लीट टोटल के बाद? सी, अगर चेसी, ये प्राइसेस अप एंड डाउन जाते रहते हैं। हाँ, चेसी इटसेल्फ इज लाइक 45 लाख से 50 लाख की चेसी है। ओके, और इतना ही इसके ऊपर खर्चा आ जाता है, यानी कि मान के चले लगभग 1 करोड़ के आसपास में, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है। ऊपर का ऐसे है कि बंदे ने कितना लग्जरी बनाना है फिर इसको, है ना, हम क्या करते हैं, एक पता लगे कि बार भी बनाना है, सब कुछ ही बनाना है, बहुत सारी इसमें एड ऑन्स की जगह बहुत है। अब कुछ भी, जैसे हम कोई अंगूठी ले लेते हैं सोने की, फिर उसमें कहते हैं यार सोने की इतनी की है, फिर उसमें एक डायमंड डाल देते हैं, डायमंड बड़ा होता जाता है, उसी हिसाब से ये चीज़ है, यानी ऐड करने के लिए बहुत स्पेस है बस में, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ अभी बाकी है इसमें। तो सर अगर हम बात करें, जैसे अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हम ये बस ले लें, हाँ जी, तो सड़क पर परमिशन वगैरह कैसे क्या मिलेगी? ये सारी परमिशन, सारे डॉक्यूमेंट्स हम करवा के देते हैं। अच्छा, सब कुछ टोटल? सब कुछ टोटल, कोई दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, बाकी सिर्फ दाम होना चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर बस को बनाने में कितना टाइम लग जाता है, डिजाइन करने में, पूरा कंप्लीट करने में? बस को पूरे प्रोसेस को चेसिस से लेके 1.5 महीने का टाइम लग जाता है बस। 1.5 महीने का? 1.5 महीने का। तो सर अभी तक कितनी बसों की डिलीवरी कर चुके हैं अपन? अभी तक हम 5 बसों की डिलीवरी कर चुके हैं इंडिया के अंदर ही। इंडिया के अंदर सारी ये बस, बड़े वाली बस जो है ये सब इंडिया में ही रहती है, इसको एक्सपोर्ट करना मुश्किल नहीं है, तो ये इंडिया में ही रहती हैं मोस्टली, ये बॉम्बे पुणे जहाँ पर रेस कोर्सेज हैं ज़्यादा वहाँ पर जाती हैं।
और सर जैसे कि अभी बस वगैरह जो गई हैं वो किस किस जगह पे गई हुई हैं अपनी? वो पुणे में गई हैं, बेंगलोर में गई हैं। अच्छा जी, रेस कोर्स वगैरह सब में? सब रेस कोर्स वाले। बाकी तो जिसके पास में बहुत ज़्यादा घोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा घोड़ों को लग्जरियस लाइफ देनी है। पर एक चीज़ ये देखो, कभी सोचा नहीं होगा लोगों ने कि भाई ऐसी भी कोई बस आएगी 1 करोड़ की जिसमें घोड़े जाएंगे। अभी क्या है कि आप देखेंगे हमारे नॉर्थ इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में ही अब मारवाड़ी करोड़ करोड़ का हो गया है। सो आई थिंक लोगों को अब सोच लेना चाहिए कि इतने महंगे और इतने प्यार से पाले घोड़े को कैसे ट्रेवल कराना है। बिल्कुल, है ना, हम घोड़ा 1 करोड़ का लेके उसको 5 लाख की एक पिकअप में लेके जाएंगे तो अपनी भी बेइज्जती है, घोड़े की भी बेइज्जती है और सामने सेफ्टी तो है ही नहीं। तो ये चीज आई थिंक लोगों को समझ लेनी चाहिए कि इतना पैसा अगर हम अपने अपने बच्चे कह लो, जो घोड़े हैं हम उनको बच्चों की तरह प्यार करते हैं, अगर उनको सेफली लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आई थिंक इन चीजों से अच्छा कोई विकल्प बहुत है नहीं। मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, बाकी सब कुछ है, रिमोट कंट्रोल है बोले सारा है। इसका जो रैंप आप देख रहे हैं सारा रिमोट कंट्रोल है, पूरा अपने आप खुल जाता है, अपने आप एक आदमी पूरी बस को ऑपरेट कर लेता है। और इसमें 5 कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, बस के अंदर 5 कैमरे हैं। अच्छा, जो सारा जो इसका ओनर है उसको ऑनलाइन दिखाता रहता है कि क्या हो रहा है बस के बाहर भी और अंदर भी। अच्छा, बाहर भी कैमरे लगे हुए हैं? बस के बाहर अगर आप इससे अंदर देखेंगे तो बाहर की तरफ कैमरा लगा हुआ है, ऐसे ही पीछे लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो बस के सराउंडिंग में ये जो पूरा वीडियो भेजता रहता है अपने जो भी ओनर है तो देख रहा है कि बस के आगे पीछे क्या हो रहा है, तो सब कुछ यानी कि पता रहेगा, पता रहेगा। GPS इनेबल्ड है इसमें, GPS लगा हुआ है, GPS वगैरह सब है। तो इसमें मेरे लगता है पूरी फुल VIP सुविधा दिया आपने। हाँ, कोई भी चीज़ अंदर कैमरे लगे हुए हैं, वो अंदर बैठा देख सकता है कि किसी भी चीज की कसर नहीं छोड़ी, और जो रह गई होगी गलती से तो मेरे को लगता है वो अगली बस में। हाँ, हम सीखते हैं, हमसे हम भगवान नहीं है, हमसे गलतियां होती हैं, हम सीखते हैं और जो फीडबैक मिलता है उसके आधार पर हम इसको इम्प्रूव करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शानदार। मेरे को तो लोगों को पता नहीं कैसी लगेगी, ये तो जाने के बाद पता लगेगा, पर मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी बस। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि एक तरीके से जैसे वोल्वो तो बहुत देखी बैठे भी हैं, पर ये अलग ही वोल्वो है। ये एक घोड़ों के लिए अलग लेवल की वोल्वो है। खाली घोड़े वाले पहचान सकते हैं कि ये घोड़े वाली बस है, घोड़े वाले पहचान सकते, बाकी दूसरा आदमी तो कंफ्यूजन में ही रहेगा, क्योंकि लोगों से तो उसको खाली ये पता लगता रहेगा कि हाँ भाई ये ऐसा हो सकता है कि बस का लोगो हो, बस का लोगो हो। तो ये आई होप कि अच्छी और चीज़ें इंडिया में अभी ग्रो हो रहा है हॉर्स बिजनेस। बिल्कुल, बिल्कुल, लोग अच्छे अच्छे घोड़े खरीद रहे हैं, नए घोड़ा पालक आ रहे हैं इस फील्ड में, घोड़ों के रेट भी आसमान छू रहे हैं। हाँ, वो तो रेट तो अब लिमिट ही नहीं है उसकी। तो सर जैसे इसमें 8 घोड़ों की है अभी, है ना, तो जैसे मान के चलो कोई 3 घोड़ों की या 4 घोड़ों की इस टाइप से बनवाना चाहिए या छोटी में, तो वो अब बना सकते हैं? हमारे पास देखिए 2 घोड़े तक तो ट्रेलर रहता है, उसके बाद हमारे पास है 2 घोड़े प्लस लिविंग, मतलब दो घोड़े जाएंगे और जो उसका ऑनर है या 1-2 बंदे के रहने का सोने का प्रबंध रहता है और फुली एयर कंडीशन्ड वो भी। उसके बाद 4 घोड़े वाला आ जाती है, उसके बाद 6, 8 और इससे बड़ी भी आती है 10 घोड़े वाली। तो सर 2 घोड़े वाली की कीमत और 4 घोड़े वाली की कीमत लगभग कितनी पड़ती होगी? जो जब हम चेसी पे आ जाते हैं तो उसके अंदर 2 घोड़े से ज़्यादा जगह रहती है। ओके, फिर उसमें क्या करते हैं, जो वो कहते हैं जी हमारे रहने के लिए जगह बना दी जाए कि थोड़ी जगह घोड़ों को डेडिकेट करके जितनी उन्हें चाहिए, उसके बाद जो भी जगह बचती है उसमें हमारे रहने का सोने का खाने का प्रबंध हो जाए। सो उसमें एक फिक्स अमाउंट पता नहीं चलती हर की, वो क्योंकि कस्टमाइज्ड है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे उसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जब हम रहने के लिए समझिए एक कमरा तैयार करते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं रहती कि बंदा कितना पैसा लगाना चाहता है, कैसा मटेरियल लगाना चाहता है, उसमें सोफा कितना है। सोफा आप मान के चलिए 5,000 से शुरू होके 5 लाख तक भी है। हाँ, अब कौन सा सोफा लगवाना है, सोफा लगवाना है, और ऐसे ही कौन से पंखे, कौन सी लाइट का भी सेम सिस्टम है। 500 रुपए के बल्ब से लेके 5,000 तक का बल्ब रहती है, बल्ब आता है कौन, है ना, तो ये सब। फिर तो वो है कि सामने वाले की श्रद्धा के ऊपर है कि भाई कितना करना चाह रहे हो आप। हाँ जी, तो बाहर का जो हम देखते हैं, जो आप देखेंगे बस की पेंट क्वालिटी, ये सारी हमारी गाड़ियाँ, इवन अगर आप बम्पर बोल ट्रेलर देखेंगे या चाहे बस ले लो, चीज़ चाहे छोटी हो या बड़ी, हम पेंट क्वालिटी सेम रखते हैं। पेंट क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त है, सेम रखते हैं। आपने अभी अंदर देखा होगा कि
कैसे 6 लेयर का पेंट चल रहा है तो पेंट लेयर दो तीन चीज़ें हैं जो हमारे बेस हैं, एक तो अच्छा स्ट्रक्चर और दूसरा जो शीट मेटल का उसके ऊपर काम किया गया है उसको ऐसा बनाया जाए ताकि वो चलते वक्त शोर ना करे, कोई दिक्कत ना आए। कोई शोर शोर जो है वो घोड़े को डिस्टर्ब करता है लंबे रास्ते के लिए, तो उसमें जो साउंड्स आवाज़ें हैं वो कम से कम हो, और तीसरा जो उसका बोन्स हैं जिसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं वो पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। तो सर एक तरीके से अगर हम बोलें तो ये बोल सकते हैं कि इंडिया की नंबर वन कंपनी है बुलस्टोन, जो घोड़ों के लिए आज की डेट में यानी कि गाड़ियों से लेकर लग्जरी बस तक बना रही है। अभी तक हम नंबर वन है, हम नहीं कहते हमारे नहीं आप नहीं कह रहे हैं, वो तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा यूजर हमारे कहते हैं कि नंबर वन है बिल्कुल, और हम हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको जो हमने प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार प्रोडक्ट बेच दिया और भूल गए, बिल्कुल हम उन अपने प्रोडक्ट्स को फॉलो करते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको सॉल्व किया जाए। ये नहीं है हमारा सिस्टम कि पैसे ले लिए और भूल गए, एक बार बेच दिया फिर बेच दिया, काम का ऐसा सिस्टम नहीं है। इसीलिए लोग जो हैं हम पर ट्रस्ट करते हैं, जुड़े हुए हैं। और ये मैं ऑन कैमरा कह सकता हूँ कि 2016 से एक भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अच्छा, कोई 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 ब्रेकडाउन नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये एक अपने आप में एक आई थिंक आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत किसी को अगर दिक्कत आई भी है तो वो इतनी नहीं थी कि उससे घोड़ों को प्रॉब्लम आए। ओके, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है इसका, आई थिंक आगे भी नहीं होगा। हम कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, लोगों के फीडबैक आ रहे हैं कि इसको ऐसा कीजिए, इसको ऐसा कीजिए, तो फीडबैक हम सारे लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव हों पॉजिटिव हों, तो हम नेगेटिव को ज़्यादा लेते हैं ताकि हमें सीखने को मिले, हमें सीखने को मिले, हमें मालूम रहे कि हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर, अपनी लग्जरी और थैंक यू का है बस दिखाने के लिए। दूर से आए और आप पूरा पंजाब घूम रहे हो, हॉर्स इंडस्ट्री को इतना प्रमोट कर रहे हो, तो मेरे पास लफ्ज नहीं है मैं कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। तो आप पंजाब आए हो, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारी तरफ से। बिल्कुल जी, आए आना। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।